मैडम बोल रहे हैं अदानी फिल्म में मेरा 616 पे 270 शेयर बाइंग है और करीब 2 महीने से होल्ड करके रखे हैं, और इसको कब तक होल्ड करना होगा, कब से कब एसएम लिस्ट से बाहर निकलेगा? ओके, देख रहे हैं कि अदानी विल्मार जो पाम ऑयल प्राइसेस हैं और जो तेल के प्राइसेस हैं ओवरऑल मार्केट में भी अगर हम देखें तो वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसका एक इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइस पे तो देखने को मिला ही है. बट आइए जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट इस पे क्या नज़रिया रखते हैं. रवि जी, एक बार आपसे इस पे राय लेंगे. देखिए, जितने भी हम दिग्गज एक्सपर्ट से बात करते हैं उनका मानना है कि आने वाले समय में फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी, बट इसने बहुत ही अच्छा रनअप दिखा चुका है पहले भी. क्या इन स्तरों पे आप इस काउंटर में बने रहने की इनको सलाह देंगे? क्या आप अन्य फंडामेंटल एनालिस्ट से सहमति रखते हैं? आपकी क्या राय रहेगी? 616 की इनकी बाइंग प्राइस है, क्या कुछ रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए इनको? अब बिल्कुल आपने सही बताया, फंडामेंटल स्ट्रांग है, मोमेंटम स्ट्रांग है, और मैं इनफैक्ट कहूंगा कि पूरा अदानी ग्रुप अगर स्ट्रांग है तो उस पे ही निवेश करने में फायदा यहाँ पर इन्वेस्टर को ज्यादा मिल रहा है. फिलहाल इस स्टॉक की अगर चर्चा करें तो देखिए, थोड़े बहुत चूंकि मार्केट का मोमेंटम अगर देखिए तो काफी हद तक गिरा है. ज्यादातर स्टॉक्स में आपको 30-40% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये स्टॉक में उतनी बड़ी अभी गिरावट नहीं आपको देखने को मिली. और रही बात पॉजिटिव सेंटिमेंट की, 616 की परचेज है, इस हफ्ते की क्लोजिंग तक ही आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है, तो आप 616 का अपसाइड में मोमेंटम बहुत आसानी से देख सकते हैं. रही बात कितना मूवमेंट होके जाएगा, देखिए अभी यहां से ये 750 रुपए तक का मोमेंटम दिखा सकता है आने वाले 6-8 महीने में. फंडामेंटल बिल्कुल आपने बताया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं, नंबर से स्ट्रॉन्ग हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा. ठीक है, 750 रुपए के लिए अडानी मिलवर को आपको होल्ड करने की सलाह है. अगले दर्शक का सवाल लेंगे. अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आशुतोष टंडन. आशु जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मैं आशुतोष बोलता नई दिल्ली से. मुझे मेरे पास 100 शेयर्स हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 130 के एवरेज रेट पर, एंड आई कैन होल्ड देम फॉर ए लॉन्गर पीरियड, तो व्हाट शुड आई डू? ठीक है, लंबी अवधि के निवेशक हैं आशु जी. रवि आपसे ही सवाल चाहेंगे. शिपिंग कॉरपोरेशन, इसके डाइवेस्टमेंट को लेकर काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है और बीच बीच में कुछ अपडेट्स भी आते रहते हैं आपकी. कुछ कुछ इसके एसेट्स को सरकार डीमर्ज करके दूसरी कंपनी में डाल देगी, उसके बाद जो शिपिंग कॉरपोरेशन बचेगा उसको किसी प्राइवेट एंटिटी को दे दिया जाएगा. ऑलमोस्ट 65-67% के आसपास का स्टेक है. रवि, हमने देखा है कि लास्ट मंथ इसमें काफ़ी तेज़ गिरावट आई थी, 52-week लोज भी इसने टेस्ट किए शेयर ने, वहाँ से थोड़ा संभलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है. शिपिंग कॉरपोरेशन क्या इसमें निवेशित रहें, क्या इसमें ठीक ठाक लेवल्स आएंगे? देखिए, जो सेंटिमेंट आपने अभी बताया बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आपने न्यूज पूरी कंप्लीट बता दी है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि अभी आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए. गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यहाँ पर है, प्लस अगर कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो ऑब्वियसली है कि इन्वेस्टर को यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, थोड़ा पेन जरूर हो सकता है, तो आप एक 90 रुपए या 88 रुपए के बीच का एक स्टॉप लॉस जरूर डाल सकते हैं, लेकिन होल्ड करके रखिए. 130 या 145 के लेवल आपको आने वाले लंबे समय में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं. अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर एवरेज आप कर सकेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. अगर आपके बुक में नंबर है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज कर लें तो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन एक साल का टारगेट अगर रखते हैं तो आपको 130 से 145 के बीच के रेंज आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो शिपिंग कॉरपोरेशन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट आने वाले समय में रिटर्न्स की उम्मीद इस काउंटर से भी लगाई जा रही है. चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से.